खबर मध्य प्रदेश के मैहर से है, जहां कोतवाली मैहर पुलिस ने डबल मर्डर केस का खुलासा किया है। पुलिस ने पति पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही पुलिस ने बताया कि ग्राम रूपगंज में ईंट बनाने वाले खेत में महिला पुरुष के शव मिले। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पैसों को लेकर लेन देन के चलते दोनों पर पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मैहर से विजय चौरसिया की रिपोर्ट। 2024 को प्रातः 8 बजे मैहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रूपगंज में दो व्यक्तियों की लाश पड़ी हुई है, जिसमें एक पुरुष है और एक महिला है। उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने पर नाम पता चला कि एक पति का नाम रामू कोल है और पत्नी का नाम चंदाबाई कोल है। उन दोनों की मृत अवस्था में लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर मौके पर कोतवाली TI पहुँचे और मामले को विवेचना में लिया तो ईटा भट्टे के पास पुरुष की लाश पड़ी हुई थी और वहाँ से लगभग 60 से 70 फीट की दूरी पर महिला की लाश पड़ी हुई थी। प्रारंभिक स्तर पर दोनों लाशों का एग्जामिन किया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम अपनी डॉग स्क्वाड के साथ उपस्थित हुई और मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया गया।